इस्लाम धरती का कैंसर है। इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज गैंग ऑफ टेररिस्ट। मोहम्मद एक डकैती तो था, हाँ मदरसे से दिक्कत है। क्यों दिक्कत है आप? क्योंकि मदरसे पढ़ रहे हैं, नहीं बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वहां अपराधी तैयार हो रहे हैं। ये मेरी मौत का दिन और तारीख तय नहीं करेंगे। मेरी मौत का दिन, मेरी मौत की तारीख मेरी माँ और मेरे महादेव ने तय कर रखी है। आप बार बार इनका नाम लेके हिंदुओं को डराते क्यों? नहीं नहीं, मैं डरा देखिए क्यों डराते हैं? अगर हिंदू डरता है तो हिंदू को तो जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। ठेका लिया है क्या हिंदू? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, गलती से भी नहीं। मैं केवल सच बोलने वाला सन्यासी धर्म प्रचारक। आप चाहते क्या है देश में? मैं देश में नहीं, दुनिया में। मैं दुनिया से चाहता हूँ कि ये खत्म हो, ये जो है कैंसर खत्म हो। नरेंद्र मोदी की व्यवस्थाओं पे आपको यकीन नहीं है? कोई यकीन नहीं है, बिल्कुल यकीन नहीं है। मोदी का क्या अस्तित्व? तो मोदी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो मोदी का कोई अस्तित्व नहीं है। नरसिंहानंद एक पूरा का पूरा गिरोह है। मुझे मजबूरी में भगवा पहनना पड़ा है। हमारे नेताओं को तो आज तक आतंकवाद का धर्म नहीं पता चला, तो इन नेताओं से हम क्या उम्मीद करें? तो मेरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में जितना अपना मत है, इसे उड़ा देना चाहिए। तो आपकी स्टेटमेंट तो आग लगा देगी। नहीं नहीं, आग नहीं लगा, दंगे क्यों हो जाए? सच्चे दंगे क्यों होने चाहिए? मैं जिहादियों से लड़ते हुए मरना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं चेतना मंच का खास कार्यक्रम न्यूज लैब। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। न्यूज लैब में आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनका परिचय एक संत का है, एक महंत का है, जिनकी पहचान महामंडलेश्वर के तौर पे आप अच्छे से जानते हैं, जिनका जन्म यूपी में हुआ और पढ़ाई मॉस्को में हुई। ऑल यूरोप मैथमेटिक्स ओलंपियाड में उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया, यानी वो गणित के भी महारथी हैं। लेकिन इस परिचय से बढ़कर परिचय है उनका विवादों से। जब वो बोलते हैं तो अक्सर विवाद खड़े हो जाते हैं। जब वो अपनी बातें बेबाकी से दुनिया को समझाते हैं तो लोग उसमें दूसरे एंगल ढूंढ लेते हैं। ये कह सकते हैं हम कि विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ते, या वो खुद विवादों से पीछा छुड़वाना नहीं चाहते। वो हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, और इस्लाम को भी अपने नजरिए से सबको समझाते हैं। उनकी माने तो वो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। आज मेरे साथ हैं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यती नरसिंहानंद सरस्वती, जो गाजियाबाद डासना मंदिर के महंत भी हैं। आज उनसे एक जबरदस्त मुलाकात हम करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस एपिसोड की, और ये एपिसोड आज आपको पूरा देखना चाहिए। जी हाँ, पूरा देखना चाहिए, इसका मतलब आपको ये पूरा वीडियो छोड़ना नहीं है। शुरुआत करते हैं आज के इस सबसे बड़े विस्फोटक इंटरव्यू की। तो आज न्यूज लैब में हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के डासना मंदिर में, जिनके महंत हैं यती नरसिंहानंद सरस्वती। और यती जी हमारे साथ मौजूद हैं। महंत जी, बहुत स्वागत आपका, और शुक्रिया एडवांस में कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, मुझ बूढ़े की बात सुनने के लिए आप यहाँ तक आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, आपको हर प्लेटफॉर्म पर लोग खूब सुनते हैं और आपकी कही गई बात मिलियंस ऑफ मिलियंस में जाती है, लेकिन आज मैं ये समझना चाहता हूँ कि यूपी में आपका जन्म हुआ, मॉस्को से पढ़ाई हुई, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था वो संत कैसे बन गया? देखिए, मैं केमिकल में कर रहा था इंजीनियरिंग, और संत तो ये एक्सीडेंटल में संत बना। अगर आप वास्तविकता देखें तो मैं संत हूँ भी नहीं, मैं अपने आप को संत नहीं मानता हूँ। अच्छा, मैं अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए निकला था, हिंदू संगठनों में गया। धर्म के लिए लड़ते हुए मुझ पर जब मुकदमे चलने लगे, पुलिस वाले मुझे परेशान करने लगे, तो हिंदू संगठनों ने मेरा साथ नहीं दिया। हिंदू संगठनों ने साथ नहीं दिया, मुझे एक सन्यासी मिले, उन्होंने कहा भाई बेटा तेरे घर वालों को भी पुलिस तेरी वजह से परेशान करती है, तेरे माता पिता को, तेरे घर वालों को परेशान करती है, इससे अच्छा तू घर छोड़ दे। तो मैंने उनके कहने से घर छोड़ दिया और मैं उनके साथ सन्यासी बन गया। वो मेरे गुरुजी स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज थे, जो अभी 2 साल पहले ब्रह्मलीन हुए हैं। तो ये मेरा सन्यासी बनना एक्सीडेंटल था। मैं धर्म प्रचारक बना और धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए अपने घर से निकला था, लेकिन जब किसी का साथ नहीं मिला तो भगवा चोले ने मुझे साथ दिया और मैं आज एक सन्यासी के रूप में आपके सामने। लेकिन महन जी, जब हम आपको सुनते हैं तो बात अलगाव की समझ में आती है, तोड़ने की बात करती है। नहीं, महन नहीं। तो ऐसी बातें नहीं करते। नहीं, मैं कभी तोड़ने तो सद्भाव की बात करते हैं, सभी धर्मों के एक साथ जुड़ने की बात करते हैं, लेकिन आप जब बात करते हैं तो वो तो कहीं और जाके दिखाई देती है। नहीं नहीं, देखिए मैं तो वो बात करता हूँ जो धर्माचार्यों को करनी चाहिए। अब कोई करता है नहीं करता ये तो वो जाने। देखिए, मैं योगेश्वर का फॉलोवर हूँ और योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर धर्म पर कोई बात आती है
धर्म और अधर्म की कहीं लड़ाई होती है तो व्यक्ति को अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर, सारे डरों को छोड़कर, सारे भयों को छोड़कर, सारे लालचों को छोड़कर अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं भगवान योगेश्वर, आप अपने को कहां मिटाते हैं, आप तो एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं ना, आपको कई देख कई बार ऐसा लगता है धर्म को टारगेट कि आप संत ही मुसलमानों से लड़ने के लिए बने हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखिए मुसलमान, देखिए पहली बात धर्म की आप बात कर रहे हैं तो मैं किसी भी धर्म से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं गुंडों के गिरोह से लड़ रहा हूँ, मैं हत्यारों के क्रिमिनलों के गिरोह से लड़ रहा हूँ। आप जिसे मुसलमान कह रहे हैं वो बेसिकली एक गिरोह है, वो कोई समुदाय नहीं है, वो कोई संप्रदाय नहीं है, वो कोई धर्म नहीं है। इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज गैंग ऑफ टेररिस्ट, इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। वो क्रिमिनल हैं, उनका क्रिमिनलों का जो पैदाइशी क्रिमिनल है, उनकी एक किताब है कुरान जो उन्हें अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। जो कुरान मुसलमानों को निर्दोष लोगों को मारने के लिए, उनकी औरतों को बर्बाद करने के लिए, उनके मंदिरों को तोड़ने के लिए प्रेरित करती है। तो मैं उस गिरोह से लड़ रहा हूँ, धर्म से नहीं लड़ रहा, मैं कभी किसी धर्म से नहीं लड़ता, कभी किसी संप्रदाय से नहीं लड़ता। लेकिन जिन लोगों ने अपनी धर्म की किताबों में ये लिख रखा है कि उनका सबसे बड़ा कर्तव्य हमारी हत्या है, मेरे बच्चों की हत्या, किसी को ये अधिकार क्यों होना चाहिए कि वो सोचे कि वो मेरे बच्चों की हत्या करके मेरी संपत्ति को कब्जा सकता है? ये अधिकार किसी को मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप एक धर्म विशेष को टारगेट नहीं, ये धर्म आप, तो आप नहीं, नहीं, आप उनकी धर्म घनश्याम पंडित जी सुनिए, वो धर्म पुस्तक है ही नहीं, आपने वो पढ़ी नहीं है, वो धर्म पुस्तक है ही नहीं, वो धर्म पुस्तक नहीं। मैं इस्लाम को कैंसर, मैं पुस्तक को कैंसर नहीं कहता, मैं उस कम्युनिटी को कैंसर कहता हूँ। वो कैंसर है धरती का, जैसे धरती मानव के शरीर में कैंसर होता है, ऐसे इस्लाम धरती का कैंसर है, इस्लाम धरती का कैंसर है। और मुसलमान जो है ये एक गिरोह है जिनका काम है लूटना। मैं एक नरसिंहानंद, सुनिए मैं क्यों समझाऊंगा, नहीं ये कुरान समझा रही है, मेरा समझाने से कुछ नहीं, ये कुरान समझा रही है। हर दुनिया के हर मानव को कुरान पढ़नी पड़ेगी। देखिए अगर उनकी किताब कह रही है और मैंने वो किताब पढ़ ली तो ये मेरी गलती थोड़ी है, ये मेरी गलती नहीं है ना। मैंने अगर उनकी किताब पढ़ ली, मैंने उनकी किताब पढ़ी है, जो उनकी किताब में लिखा है मैं उसे बता रहा हूँ आपको। देखिए मैं उनकी किताब बता रहा हूँ, मेरा इसमें अपना कोई व्यू नहीं है। उनकी किताब ये कहती है कि मेरे कत्ल करने के बाद, आपने अभी श्रद्धा का केस देखा, श्रद्धा जिसे एक मुसलमान ने 35 टुकड़ों में काटा, और 35 टुकड़ों में काटने के बाद वो ये कह रहा है कि मैं अब जन्नत जाऊंगा। तो ये कौन सिखाता है? ये वो किताब सिखाती है जिसका नाम है कुरान, और उस कुरान की शिक्षा पर चलने वाले सारे डकैत हैं, सारे चोर हैं, सारे बदमाश हैं, सारे हत्यारे हैं, सारे बलात्कारी हैं। आप कुछ लोगों के चलते पूरे धर्म पे टारगेट, कुछ लोग कैसे हैं, कुछ लोग कैसे, अबू बकर, देखिए सुनिए, मोहम्मद से लीजिए, जो मोहम्मद ने किया, जो मोहम्मद करता था उसे ही सारे मुसलमान कर रहे हैं। मैं ये बात आपको हजारों बार बता चुका, मोहम्मद ने जो किया, मोहम्मद क्या था पहले तो ये बताइए, मोहम्मद क्या था? मोहम्मद एक डकैती तो था जो काफिलों को लूटा करता आप था। प्रॉफिट मोहम्मद की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट कौन है, ये प्रॉफिट क्या होता नहीं, है आप प्रॉफिट मोहम्मद साहब नहीं, नहीं मैं मोहम्मद साहब की कोई मोहम्मद साहब की बात नहीं कर रहा। अरब के अंदर एक डकैत हुआ लुटेरा जिसका नाम मोहम्मद है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत गंभीर स्टेटमेंट है आपकी। देखिए मैं अब मैं सच बोल रहा हूँ तो गंभीर गंभीर सच हमेशा गंभीर होता है, सच कभी भी जो है हल्का नहीं होता। मैं एक लुटेरे की बात कर रहा हूँ जिसने इस गिरोह को लामबंद किया था, जिसने इस गिरोह को लामबंद किया था। आज भी भारत के अंदर आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपने कभी मदनी से पूछा कि जमीयत उलमाए हिंद आतंकवादी का केस क्यों लड़ती है? हर उस व्यक्ति का जिसकी मुसलमान हत्या करते हैं उसका केस क्यों लड़ती है? बहन जी आप ये क्यों चाहते हैं कि आपकी जबान में पत्रकार सवाल पूछे? नहीं नहीं मैं नहीं, आपकी सुनिए बात पत्रकार की और नहीं, ये नहीं, घनश्याम जी की जबान पे नहीं पूछा जाए, घनश्याम जी इससे फर्क नहीं पड़ता आप किसकी जबान में पूछ रहे हैं। लेकिन जो सच है मैं आपको वो बता रहा हूँ, मेरा काम है आपको सच बताना। मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी हर कीमत पर सच बोलते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये ब्रह्म ज्ञान आपको कहाँ से मिल गया? ब्रह्म ज्ञान कुरान से मिला, मैंने कुरान पढ़ी और कुरान से मुझे ये ज्ञान मिला। आप कह रहे कुरान पढ़ी और फिर ब्रह्म ज्ञान मिला? कुरान से ब्रह्म ज्ञान मिला सर आपकी स्टेटमेंट में तो। देखिए नहीं नहीं नहीं, ये कंट्राडिक्शन, ये कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, ये सत्य है। मैंने कुरान पढ़ी तभी मुझे पता चला कि ये एक अपराधियों का गिरोह है, जो भी इस किताब को पढ़ेगा वो अपराधी हो जाएगा, अपराधी बन जाएगा और अपराध करेगा। ये किताब है जो सारे बवाल की जड़ है। देखिए इस किताब की जिक्र आप कर रहे हैं लेकिन रामचरितमानस को लेकर भी बीच में बवाल उठा। देखिए वो तो देखिए देखिए जो चौपाइया रामचरितमानस की समझाई गई और जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा वो आप ही के धर्म के हैं और आप ही के धर्म की पुस्तक पे सवाल उठा रहे हैं, ऐसे लोग भी तो है सर। देखिये वो तो क्या है कि हिंदू जो है इस समय बीमार, सनातन धर्म बीमार हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। पहले इन लोगों के खिलाफ बोलिए ना, नहीं इनके इनके खिलाफ, इन पागलों के खिलाफ क्यों बोलूं? ये क्या नुकसान पहुंचा? ये केवल स्टेटमेंट देंगे, घर बैठ जाएंगे, तक को घेर सकते हैं, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये प्रॉफिट मोहम्मद कौन है? प्रॉफिट किसे कहते हैं पहले मुझे बताइए, प्रॉफिट किसे कहते हैं, क्या है प्रॉफिट? ये
आपकी परिभाषा के हिसाब से बताऊं। देखिए मैं तो एक मोहम्मद के बारे में जानता हूं, जिसने कुरान लिखवाई थी, मैं उसके बारे में जानता हूं। उसने अरब के जंगली लुटेरों को संगठित किया, अपना गिरोह बनाया और गिरोह की एक आइडियोलॉजी लिखी, गिरोह का एक संविधान बनाया, उस गिरोह के संविधान को कुरान कहते हैं। आपको देखिए मुसलमानों से दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आपको उनके धर्म ग्रंथों से दिक्कत है? कुरान से दिक्कत है, हदीसों से दिक्कत है, मदरसों से भी दिक्कत है। हाँ, मदरसों से दिक्कत है। क्यों दिक्कत है आपको? क्योंकि मदरसे पढ़ रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ अपराधी तैयार हो रहे हैं। वो बच्चे नहीं है भाई, वो अपराधी है। अपराधी तैयार, हत्यारे तैयार हो रहे हैं, बलात्कारी तैयार हो रहे हैं। वो लोग तैयार हो रहे हैं जो दूसरों के मंदिरों को तोड़ेंगे, जो दूसरों की औरतों को बलात्कार करके मंडियों में बेचेंगे, वो तैयार हो रहे हैं। अगर वहाँ साइंटिस्ट तैयार हो रहे होते, वैज्ञानिक तैयार हो रहे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आपने आज तक मुझे कभी किसी वैज्ञानिक संस्था के खिलाफ बोलते सुना है क्या? पूरी दुनिया में इतने वैज्ञानिक संस्था है। आपका तो टारगेट फिक्स है ना सर? नहीं, मेरा कोई टारगेट है? मेरा कोई टारगेट फिक्स नहीं है। मैं सनातन धर्म को बचाना चाहता हूँ, मानवता को बचाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ कि अगर ये इस्लाम जीवित रहा तो पूरी दुनिया खत्म होगी, पूरी दुनिया खत्म होगी। देखिए, आज आप अगर भारत से आप मुसलमानों को माइनस कर दें तो भारत दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। भारत के अंदर का सबसे बड़ा बोझ है जो ये सुअरों की तरह आबादी बढ़ाते हैं ना, सुअरों की तरह। हमारे डांसने में जाइए, सामने सब मुसलमान है, ये आपको एक एक घर में 15-15, 16-16 बच्चे मिलेंगे। खाने को है नहीं, पहनने के लिए कपड़ा है नहीं, केवल अपराधी बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, एक दो को अपने पास रखते हैं, बाकियों को मदरसे में भर्ती कर देते हैं। वो मदरसों में जाके केवल अपराध करना सीखते हैं, इसके सिवा कुछ सीखते नहीं। आप मैं इस प्रवर 16 बच्चों को गिन रहे हो और आप कहते हैं हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें? अब जब ये अपराधी कर सकते हैं तो हमारे लोग जो अच्छे लोग हैं क्यों ना करें? आप क्या चाहते हैं कि इस देश में हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो जाए और फिर वही हालत हो जो पाकिस्तान में हिंदू की है? सद्भाव हमारे देश, सद्भाव इस्लाम से सद्भाव नहीं हो सकता। हमारे देश की खूबसूरती है, कैसे खूबसूरती है? कल को यहाँ मुसलमान बाहुल्य हो जाएंगे, यहाँ तो तुम रह भी नहीं पाओगे, आपके बच्चे यहाँ रह नहीं पाएंगे। सद्भाव कहाँ इस्लाम में? कहाँ सद्भाव? नहीं, मैं सच बोलता हूँ। आप सच्चे डरते? नहीं नहीं, आप हिंदू सच्चे डरने लगा तो ये मेरी गलती थोड़ी है। अगर आप सच का सामना ही नहीं करेंगे तो इसमें मेरी क्या गलती हुई? आप भाई पैदा करते हैं? नहीं, मैं भाई नहीं पैदा करता, सत्य बोलता हूँ। मैं संत है, सत्य बोलता हूँ, इसीलिए तो संत हूँ कि सत्य बोलता हूँ। संत कैसा जो दूसरे धर्म को लेकर? मैं दूसरे धर्म की तो बात ही नहीं करता। मैंने आज तक जैनों की बात नहीं करी, मैंने बौद्धों की। नहीं, मुसलमान धर्म नहीं है ना। ठीक है, मुसलमान घनश्याम जी, पहले तो आप दिमाग से निकालिए कि इस्लाम कोई धर्म है? इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम एक गिरोह है गुंडों का, डकैतों का, बलात्कारियों का, लुटेरों का, जो दूसरों की जमीनें कब्जाता है, दूसरों की बेटियों को बलात्कार करके मंडियों में बेचता है, दूसरों के मंदिरों को तोड़ता है। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, पहले तो आप इस बात को समझिए। आपको कुरान पढ़नी चाहिए। क्यों समझाना चाहते हैं बार बार? क्योंकि ये अगर क्योंकि उन्होंने पिछले 1400 सालों में 2100 करोड़ मानवों को मार दिया है। मैं चाहता हूँ ये दोबारा से ना हो। मैं चाहता हूँ जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ वो हमारे बच्चों के साथ ना हो, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ वो हमारे बच्चों के साथ ना हो, जो अरब में यजीदियों के साथ हुआ वो हमारे बच्चों के साथ ना हो। मेरी केवल इतनी गलती है। आपके कहने से हम बच्चे पैदा करें? तो करनी चाहिए आपको अपने, सुनिए घनश्याम जी, अगर आपको अपना अस्तित्व बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपनी महिलाओं को बचाना है, तो बच्चे पैदा करो। देश की नहीं बचाना सर, आप देश की आबादी और उसके मूल। देखिए आबादी की बात ये है, हम अगर देखिए देश की आबादी के चक्कर में हम इस देश को इन जंगली लुटेरों को दे दें, अरब के लुटेरों को? आप क्या चाहते हैं हम इस देश को अरब के लुटेरों को देके चले जाएं, जो हमें जान से मारेंगे, हमारे मंदिर तोड़ेंगे? मुझे ये समझाइए सर, आप बार बार इनका नाम लेके हिंदुओं को डराते क्यों? नहीं नहीं, मैं डरा, देखिए क्यों डराते से? अगर हिंदू डरता है तो हिंदू को तो जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। ठेका लिया है क्या हिंदुओं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, गलती से भी नहीं। मैं केवल सच बोलने वाला सन्यासी धर्म प्रचारक हूँ। मैं अपने धर्म के बारे में और इस्लाम के बारे में सच बोलता हूँ। बाकी ना मैं ठेकेदार और ना मुझे ठेका लेने की जरूरत है। मैं तो भाई अकेला चलने वाला आदमी हूँ। जो दो चार मेरे साथी बनते हैं वो भी थोड़े दिनों में छोड़कर चले जाते हैं। मैं तो अपने रास्ते पे अकेला चलने वाला मस्त मौला आदमी। आपकी नजर में लोकतंत्र जैसी कोई चीज है कि नहीं? देखिए लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र लोग के लिए है। आपको विश्वास नहीं? नहीं, मुझे लोकतंत्र पर पूरा विश्वास है, लेकिन यही लोकतंत्र अगर वोट के दम पे अगर मुसलमानों ने कब्जा लिया तो ना यहाँ धर्मनिरपेक्षता रहेगी, ना यहाँ लोकतंत्र रहेगा। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ लोकतांत्रिक लोग होने चाहिए, और लोकतांत्रिक लोग इस देश में केवल हिंदू है, हिंदू होने चाहिए। ये देश जब तक हिंदू बाहुल्य है तभी तक ये देश लोकतांत्रिक है, तभी तक ये देश धर्मनिरपेक्ष है। जिस दिन ये देश हिंदू बाहुल्य नहीं रहेगा, ना धर्मनिरपेक्ष रहेगा, ना लोकतांत्रिक रहेगा। आपकी डिक्शनरी में मुसलमानों के अलावा कोई दूसरा शब्द है कि नहीं है? अरे मुसलमानों से मुझे क्या लेना देना? आप
मुझे मुसलमानों से देखिए, मैं तो सुनिए, आप इस मंदिर में देखिए बाहर बोर्ड लगा हुआ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित आ रहा था मैं उसी पे। तो देखिए मुसलमानों का तो हम तो मुसलमानों से कुछ लेते ही नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि ये हमारे आसपास भी ना आए, हम इनके आसपास भी ना जाएं। ये दुनिया में हम तो ऐसी जोन चाहते हैं कि मुसलमान पूरी दुनिया से अलग रहे और हिंदू अलग रहे। राम रहीम का प्यार सिखाता है हमारा देश तो आप नहीं 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 राम रहीम, रहीम से बड़ा फ्रॉड, रहीम और रसखान ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों से पैसे लेके हिंदू धर्म को पॉल्यूटेड किया, हमारी किताबों को पॉल्यूटेड किया। इन्होंने सत्ताओं के पैसे से हमारे धर्म की किताबों में मिक्स, ऐसी गंदगी मिक्स करवाई जिसे हम आज तक भुगत रहे हैं। इन्होंने हमें हमारे योगेश्वर का चरित्र हनन करवाया, इन्हीं लोगों के कारण आज तक हम लोग इस धर्म निरपेक्षता की भूल भुलैया में है। लेकिन आप जो बातें करते हैं, जो धर्म आप सो कॉल्ड अपने हिसाब से सिखाना चाह रहे हैं, बाकी संत समाज के आपसे इत्तेफाक रखता है? देखिए वो तो अभी बोलता है, देखिए अभी देखिए क्या बात कर रहे हैं आप। संतों में भी आज भारत के सबसे बड़े संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले, एक 26 साल का नवयुवक आज सारे दुनिया में जाना जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सनातन धर्म को बचाना चाहता है। ऐसे धर्मगुरु पैदा होने लगे, ऐसे धर्मगुरु पैदा होंगे। पर वो ऐसी बात तो नहीं करते, वो तो नहीं कहते कि मुसलमानों से दूरियां बनाई है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, सुन नहीं रहे? उन्होंने हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया, उन्होंने पूरे हिंदू समाज से कहा है कि आप हमारा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने में आमादा क्यों है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र क्या, देखिए मुसलमानों के पास 57 देश, ईसाइयों के पास 100 से ज्यादा देश, तो हम 100 करोड़ हिंदू हैं, हमारे पास क्या एक भी देश नहीं होना चाहिए? यहूदी 80-90 लाख यहूदी, उनका भी अपना देश है। तो 100 करोड़ हिंदुओं की ऐसा क्या अपराध है कि हमारे पास अपना एक देश नहीं होना चाहिए? लेकिन आपको ऐसा लगता है बाकी हिंदू तो आराम से रह रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं नहीं, वो असल में अज्ञानी है ना, उन्हें ज्ञान नहीं है। जिन्हें ज्ञान हो जाएगा एक बार कि इस्लाम क्या है, देखिए छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा भयंकर अगर आप उसके सामने कोबरा आके खड़ा हो जाए वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, क्योंकि वो जानता नहीं कि अगर इन्हें काट लिया तो मर जाएगा। ऐसे ही हिंदू जो है, हिंदू के धर्म गुरुओं ने अफीम खिला के सुला दिया, अब उसे पता ही नहीं कि सामने ये नाग पल रहे हैं भाई, ये लुटेरों का गिरोह, ये हथियारों का गिरोह है। जिम्मेदार हिंदू धर्म गुरु भी है आपकी नजर? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, नेताओं से भी ज्यादा। अच्छा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की आप बात करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को भी धमकियां मिलने लगी हैं। देखिए स्टैंड क्या है उनके साथ खड़े? देखिए धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी देने वाले अच्छी तरह समझ लें, अगर किसी ने धीरेन्द्र शास्त्री को उंगली भी लगा दी तो हम उसे खा जाएंगे, खा जाएंगे। हम तन मन धन और बाहुबल से हर तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ है। हमने इस प्रॉफिट जिसे आप प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं ना, इसके बारे में कभी एक भी शब्द नहीं बोला था जब तक इन्होंने हमारे बहुत ही अति प्रिय थे अमर बलिदानी पंडित कमलेश तिवारी जी, जब तक उनकी हत्या नहीं हो गई थी। ये जितना बदला हम इस हत्यारे से ले रहे हैं, कमलेश तिवारी जी की हत्या का बदला ले रहे हैं। अच्छा। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हमें उतने ही प्रिय हैं जितने प्रिय कमलेश तिवारी जी थे। अगर हमने कमलेश तिवारी जी को खो चुके हैं, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी को किसी ने उंगली भी लगाई तो आधिकारिक गृह युद्ध की शुरुआत होगी इस देश में। फिर गंभीरता से बोल रहे हैं आप? पूरी गंभीरता से, पूरी गंभीरता से, पूरी जिम्मेदारी से, कोई भी धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरफ देखने का साहस ना करे। तो मौजूदा व्यवस्थाओं पे आपको यकीन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पे यकीन नहीं है? जो मौजूदा व्यवस्था यही राज था जब कमलेश तिवारी जी की गर्दन काट दी इन हत्यारों ने, इन लुटेरों ने, कमलेश तो यही तो व्यवस्था थी। आप चाहते क्या है देश में? मैं देश में नहीं, दुनिया में, मैं दुनिया से चाहता हूँ कि ये खत्म हो, ये जो है कैंसर खत्म हो पूरी दुनिया में। मैं देश की बाउंड्री में नहीं देखता इसे। मान लीजिए ये आज यहाँ से खत्म हो गए, कल को अमेरिका में इतने ताकतवर हो जाएंगे, फिर दूसरों को मारेंगे, अरब से मारेंगे, यूरोप से मारेंगे, सबको खाएंगे। मैं पूरी दुनिया को ये समझाना चाहता हूँ कि इस कैंसर से बचो। ये हिंदू की लड़ाई नहीं है, ये संपूर्ण मानवता की लड़ाई है। अगर संपूर्ण मानवता जिहाद के खिलाफ खड़ी नहीं हुई तो मानवता खत्म होगी। ये हिंदू की लड़ाई नहीं है। क्या कोई महंत इस तरह की भाषा इस्तेमाल? देखिए मुझे नहीं पता कि महंत क्या करते हैं। आप महंत है कि नहीं है? भाई मैं महंत नहीं, मैं तो महामंडलेश्वर हूँ। तो महामंडलेश्वर की तो और जिम्मेदारी मुझे, इसीलिए महामंडलेश्वर सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ी धार्मिक संस्था, दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर। और मेरे अखाड़े ने मुझे सनातन धर्म के लिए लड़ने के लिए ही महामंडलेश्वर बनाया। हम किसी को खा जाएंगे, ये भाषा सिखाई है आपको? और क्या, अगर कोई हमारे बच्चे को, धीरेन्द्र शास्त्री जी एक 27-28 साल का नौजवान, और पता नहीं क्यों लोग उसे धमकी दे रहे, वो अपना काम कर रहा है, वो तो किसी को मारने नहीं जा रहा, वो ना मेरी भाषा को बोलता है, लेकिन केवल इसलिए कि वो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है लोग उसे धमकी दे रहे हैं। और आपको क्या लगता है हम धमकी को सुनते रहेंगे? कोई हमारे बच्चे को धमकी देगा हम उसे सुनते रहेंगे? इतना बड़ा धर्म प्रचारक है, हमारा आदरणीय है, उम्र में हमसे तिहाई है, लेकिन हम उसका सम्मान करते हैं। और कोई उसे धमकी देगा हम बैठ के सुनते रहेंगे? कोई उसे मार देगा हम देखते रहेंगे? हम कोई तमाशबीन है?
नरेंद्र मोदी की सरकार पे यकीन नहीं है क्या आपको? नरेंद्र मोदी की सरकार का नरेंद्र मोदी जी से पूछो। बताइए ना। अरे हमें किसी नेता पे नहीं, हमें जब धर्म की बात आती है हमें किसी नेता पे भरोसा नहीं है। आप ये कह रहे हैं आज चेतना मंच पे कि नरेंद्र मोदी की व्यवस्थाओं पे आपको यकीन नहीं है? कोई यकीन नहीं है, बिल्कुल यकीन नहीं है। अरे हमारे कमलेश तिवारी जी इन्हीं की व्यवस्थाओं में मरे ना, इतने हिंदू इन्हीं की व्यवस्थाओं में मरते हैं ना, हमारी बेटियों के 35-35 टुकड़े इन्हीं की व्यवस्थाओं में होते हैं ना, हम कैसे विश्वास कर लें इन पे? और सबसे बड़ी बात, जब हमारी बेटी के 35 टुकड़े करते हैं मुसलमान, उसी कमरे में 20 और हिंदू औरतों के साथ सोता है और कोर्ट कहता है कि इसको थर्ड डिग्री नहीं दी जा सकती, तो मैं कैसे इस व्यवस्था पर भरोसा कर लूं? आम आदमी पर थर्ड डिग्री देते हैं जरा जरा सी बात पे, लेकिन इतने बड़े हत्यारे को, और वो गर्व से कहता है कि मैं जन्नत जाऊंगा क्योंकि मैंने एक काफिर की बेटी को 35 टुकड़ों में काट दिया। अखबारों में स्टेटमेंट छपते हैं, अच्छा। पूरा देश देखता रहता, मैं इस देश में कैसे विश्वास कर लूं? हिंदुओं की बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव आप कहते हैं कि मुसलमानों को जन्नत पहुंचाता है? नहीं, मैं नहीं कहता, उस हरामजादे ने जिसने बलात्कार करके मेरी बेटी को 35 टुकड़ों में काटा, उसने कहा कि अब मैं जन्नत जाऊंगा क्योंकि उन्हें कुरान सिखाते हैं, कुरान में यही तो लिखा हुआ है। जिनकी पैरवी आप कर रहे हैं, जिन बेटियों की पैरवी कर रहे हैं, वो इन लोगों के मुंह में फंस कैसे जाती है? क्योंकि सारे महंत झूठ बोलते हैं। यहाँ अपने मंचों पर बैठकर लोग अल्लाह मौला अली मौला अली मौला करते हैं, सारे लोग धर्मनिरपेक्षता के इस बहका में आपके हमारी बेटियों को पता ही नहीं चलता सच क्या है, और वो इनके चक्कर में फंस जाती है, फिर बर्बाद होती है। मैं इसीलिए चाहता हूं कि हर बेटी को पता चले कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, हर बेटी को पता चले कि मोहम्मद ने क्या किया था, जो मोहम्मद ने किया था वही मुसलमान कर रहे हैं। मैं इस सच्चाई को हर कीमत पे अपनी जान दे के भी पूरी दुनिया को बता के रहूंगा, चाहे मुझे पूरे जीवन के लिए जेल में डाल दो, चाहे मेरा कत्ल कर दो, लेकिन ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आके रहेगी और हम इसे लाके रहेंगे। अच्छा, जितनी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें आप करते हैं मैन जी, उसके बाद जितने केस भी आप पे लगे हुए हैं, जितनी बार आप जेल भी चले गए, क्या लगता है कि जो मौजूदा व्यवस्थाएं खासकर योगी जी की थोड़ी सॉफ्ट है क्या आपको लेके? देखिए योगी जी समस्या को जानते हैं ना। योगी दुनिया के योगी जी को तो पसंद करते हैं आप? मैं योगी जी को बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, योगी जी पे मुझे विश्वास है, पूरी राजनीति में मैं एक व्यक्ति पे विश्वास करता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी महाराज पे। मैं उनकी भाषा तो वो भी नहीं बोलते, देखिए वो संवैधानिक, देखिए वो महंत से ज्यादा, वो महंत नहीं है, वो महंत से ज्यादा जो है भारत के होने वाले प्रधानमंत्री है। क्या फिर से बताइए? भारत के होने वाले प्रधानमंत्री है। अच्छा, वो 100 करोड़ हिंदुओं के एक तरह से मतलब प्रतिनिधि है, पूरा हिंदू समाज उन पे विश्वास करता है। अच्छा, मोदी के अस्तित्व से बड़े आपको दिखाई देते हैं? मोदी का क्या अस्तित्व, मोदी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो मोदी का कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, देखिए वो पूरी पार्टी का ही कोई अस्तित्व मेरे सामने नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत को विश्वगुरु बनाने की कोशिश शुरू कर दी। आप बचपना, ये एक बहुत ही बचपने का सवाल है। अच्छा, नरेंद्र मोदी किसी को विश्वगुरु नहीं बना रहे, क्या विश्वगुरु बना दिया नरेंद्र मोदी ने? कोई काम तो ऐसा बता दो जो नरेंद्र मोदी ने कर दिया, कोई काम ऐसा नरेंद्र मोदी ने नहीं करा कि भारत विश्वगुरु हो। हाँ, योगी जी करेंगे, योगी जी सनातन को विश्वगुरु बनाएंगे, और धीरेन्द्र कृष्ण ब्रह्मचारी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जैसे नवयुवक जब धर्मगुरु बनेंगे तो सनातन की जय होगी और हमारा भी एक सनातन वैदिक राष्ट्र बनेगा। महिलाओं को लेकर जो आपने स्टेटमेंट दी थी उस पर योगी जी ने नहीं, मैंने महिलाओं को लेकर बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं दी थी, मैंने नेताओं को लेकर स्टेटमेंट दी थी। क्या? मैंने ये कहा था कि नेताओं महिलाओं का शोषण करते हैं, मैंने कहीं भी महिलाओं के चरित्र पर कोई बात नहीं कही थी, मैंने केवल नेताओं का चरित्र बताया आप था। महिलाओं को कमजोर मानते हैं ना? नहीं, मैं महिलाओं को अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ मानता हूँ। कमजोर नहीं, 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 आप मैं तो नहीं, बेटी नहीं, को घर के अंदर रखना चाहते हैं, बाहर ना आए? नहीं, नहीं, मेरी बेटी पॉलिटिक्स में ना जाए? ना ना ना, मेरी बेटी तो विदेश में रहती है। मेरा तो सारा परिवार विदेश में रहता है, मैंने तो उन्हें इसलिए इस्लाम के डर से भेज रखा है। अच्छा, क्योंकि सबको पता है भारत में क्या होने वाला है। सर तो ये बताइए ना, जिन बेटियों की आप पैरवी कर रहे हैं उनको कमजोर क्यों मानते हैं? नहीं, कमजोर नहीं मानता मैं, लेकिन लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा पॉलिटिक्स में ना जाए। हाँ। लेकिन मैं नेताओं से कह रहा हूँ कि वो अपनी नियत को साफ रखे, नेताओं से कह रहा हूँ अपनी नियत को साफ रखे, नेताओं की नियत पर सवाल उठा रहा हूँ, बेटियों के इंटेंशन पे या उनके काम पे बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा। क्या कह रहे हैं सारे नेता कैरेक्टरलेस है? सारे नेता तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग नेता जो है, एकाध कोई अच्छा भी हो सकता है। एकाध को तो बता दिया आपने, योगी जी, योगी जी नेता, योगी जी तो महा, योगी जी देखिए, योगी जी इस समय जो है एक तरह से अवतारी पुरुष है। अच्छा, और मैं योगी जी पे बहुत विश्वास करता हूँ, बाकी योगी जी तो नेता भी नहीं है ना, योगी जी तो मतलब एक अवतारी पुरुष है योगी जी, मैं योगी जी पे बहुत विश्वास करता हूँ। उनके अलावा इस राजनीति में मैं किसी पे भी विश्वास नहीं करता हूँ, कोई भी आदमी अपनी बात कहीं भी बदल सकता है, एक योगी जी है जो अपनी बात कभी नहीं बदलते हैं। लेकिन जो बात आप समझाने की कोशिश करते हैं,
क्या योगी जी भी उसी माइंडसेट को फॉलो करते हैं? मुझे, मैं योगी जी से मिला ही नहीं जब से वो मुख्यमंत्री बने, मैं आज तक योगी जी से मिला नहीं, मुझे क्या पता उनका माइंडसेट क्या है। तो योगी जी की तारीफ करने के पीछे कुछ नहीं, जब जरूरत पड़ती है हम उनका विरोध भी करते हैं। हमारी कोई वो नहीं है, हमें कभी पॉलिटिक्स में जाना नहीं, हमें पॉलिटिक्स की तरफ देखना नहीं, हमें कोई अनुदान नहीं चाहिए। हम कहीं, हम तो भैया भिखारी हैं, हम तो यहाँ अपने जितने हिंदू 5% हिंदू हैं, हम तो इनसे भीख मांग के अपना खर्चा चलाते हैं। गाजियाबाद से लोग हमें भीख दे देते हैं। भिखा रहे हैं सर, इतना बड़ा प्रांगण है आपका, प्रांगण प्रांगण से क्या होता है, लेकिन अनुयायी है, अनुयायी सिक्योरिटी आपको मिली हुई है, कहाँ भिखारी है सर, किस भिखारी को सिक्योरिटी तो इसलिए मिली हुई है क्योंकि खतरा भी हमें सबसे ज्यादा है। क्या खतरा है? मानव इतिहास में खतरा है, बोल दे के सच बोलते हैं। सच से जो ये जो लुटेरों का गिरोह है ये सबसे चिढ़ जाता है। इनका नियम है जो भी मोहम्मद के बारे में सच बोलेगा उसको ये मार देंगे। इन्होंने हमारे स्वामी सरदारन जी को मारा। आप इतने कमजोर हैं क्या अपने ही राष्ट्र में? इतने कमजोर हैं? इतने कमलेश तिवारी जी हमारे इतने मजबूत थे? नहीं, आप इतने कमजोर हैं? यपी नरसिंहानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, इतने कमजोर लगते हैं क्या आपको? अरे AK-47 के सामने गर्दन काट देंगे हमारी, क्या कर लेंगे हम? यहाँ कितनी बार पकड़े गए आतंकवादी, इस मंदिर में कितनी बार आतंकवादी पकड़े गए? योगी जी ने जो धर्मांतरण का, जो मुस्लिम धर्मांतरण का पूरा गिरोह था, जिसे योगी जी ने पर्सनली सारा राज खुलवाया, योगी जी की वजह से जो राज खुला वो यहीं से तो पकड़े गए थे सारे लोग, मुझे मारने तो आए थे। और वैसे मैं उनसे डर नहीं रहा हूँ, लेकिन सुरक्षा करना मेरा काम है, क्योंकि मुझे भी पता है, क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदुओं की पीड़ा और इस्लाम का सच बोलना बहुत जरूरी है। और मौत से मैं डरता नहीं हूँ, सुनिए, ये मेरी मौत का दिन और तारीख तय नहीं करेंगे, मेरी मौत का दिन, मेरी मौत की तारीख मेरी माँ और मेरे महादेव ने तय कर रखी है। और जिस दिन की उन्होंने तय कर रखी है, उससे पहले कोई मुझे मार नहीं सकता, उसके बाद कोई बचा नहीं सकता। सिक्योरिटी तो इसलिए है कि अगर ये मुझे मारने आए तो एक भी जिंदा ना जाए यहाँ से। अच्छा, इसलिए है सिक्योरिटी। लेकिन आपको मैं बार बार यही पूछता हूँ, आपको ये रॉकेट साइंस, ये ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिला कि भारत पे कब्जा हो जाएगा? अरे ये पूरी दुनिया में इनका इतिहास है भाई, जहाँ भी दुनिया का इतिहास पढ़ो आप, पंडित जी आपको दुनिया का इतिहास पढ़ना चाहिए, जहाँ भी एक बार मुस्लिम जनसंख्या आधिकारिक रूप से 30% हो गई। ये इतिहास असल में एक्सक्लूसिवली आपके पास रखा है? नहीं नहीं, आप, अरे सारी दुनिया का, आप लेबनान का इतिहास पढ़ लो, आप अफगानिस्तान का इतिहास पढ़ लो, आप दुनिया के किसी भी हिस्से का इतिहास पढ़ लो। अभी कश्मीर हमारे सामने हुआ, पाकिस्तान हमारे सामने सामने हिंदू विहीन हुआ, बांग्लादेश हमारे सामने सामने हिंदू विहीन हुआ, हम कैसे आंख मूंद लें इन चीजों से? तो ये आप अगर इसे देखना नहीं चाहते सच को, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हमारा ये कस्बा जो है, कभी 50-50% थे, आज ये 95% मुसलमान है इस कस्बे में जहाँ बैठे हैं। कभी आधे हिंदू थे आधे मुसलमान थे, आज यह 95% मुसलमान है। तो कहाँ गए हिंदू? इन्होंने जनसंख्या इस तरह से बढ़ाई कि हिंदुओं को सारा कस्बा छोड़ना पड़ा। ये तो माँ की कृपा से, जब से हम आए हैं तब से एक भी परिवार को यहाँ से जाना नहीं पड़ा, वरना यहाँ से सारे परिवार पलायन कर गए थे। मैंने तो जब जब बहनतों को सुना है, संतों को सुना है, तो कहते हैं कि हम जैसी कोई बात नहीं होती, मैं जैसी कोई बात नहीं होती, लेकिन यतीन नरसिंहानंद सरस्वती कहते हैं हम आए हैं, मैंने ऐसे कर दिया, तो हम आए हैं ना, मैं कहा, मैं की तो बात ही नहीं। हाँ। इसमें हम इस जब मैं हम बोलता हूँ तो उसमें तो घनश्याम भी पंडित जी भी है, उसमें स्वामी अमृतानंद जी भी है, उसमें कृष्णानंद जी भी है, उसमें ये वाले कृष्णानंद जी भी है, उसमें राम स्वरूप आनंद जी भी है, उसमें मेरे बहुत सारे शेर है। हम तो बात ही हम की करते हैं, हमारे तो मुंह से मैं बहुत कम निकलता है, हम तो हम है। नरसिंहानंद एक व्यक्ति नहीं है, नरसिंहानंद एक पूरा का पूरा गिरोह है, जैसे मुसलमानों का गिरोह है ऐसे ये गिरोह यहाँ पे है, ठीक है ना? क्योंकि देखिए हमारा सीधा सीधा मानना है कि गिरोह से या तो सरकार लड़ती है, कोई दूसरा गिरोह लड़ता है। अब सरकारों में तो इतना दम है नहीं कि मुसलमान से लड़ रहे, तो उनसे लड़ने के लिए गिरोह ही बनाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि 100 करोड़ सनातनी एक गिरोह की तरह बर्ताव करें और एक गिरोह में बदल जाएं, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूरा सिखों का एक गिरोह खड़ा किया, उसी तरह सनातनियों का गिरोह खड़ा होगा। आज भी है, आज थोड़ा छोटा है, हमारे बाद ये गिरोह बहुत मजबूत होगा, बहुत बड़ा होगा, तो हम तो बस उसी संरचना में लगे हुए हैं। लेकिन अगर इसी तरह की कोशिश आपको करनी थी तो फिर ये भगवा रंग ओढ़ना अनिवार्य था? ये अनिवार्य की बात नहीं है, बचने का कोई तरीका नहीं था, पुलिस मैं निर्दोष था। आप कह रहे हैं भगवा रंग इसलिए उड़ा है कि मैं बच जाऊं? नहीं, बचने का कोई तरीका ही नहीं था, परिवार को बचाना था। नहीं है मतलब आपको इसमें आस्था? देखिए सुनिए, आस्था है या नहीं है, आस्था तो जब भगवान में मेरी तब भी उससे ज्यादा थी जितना जब मैंने भगवान ही पहन रखा था। तो भगवा को पहना मजबूरी में, वरना भगवा तो अंतरात्मा में बसा हुआ है। मैं सन्यासी होना नहीं चाहता था, मैं बहुत ही पारिवारिक व्यक्ति हूँ, ठीक है, होम सिकनेस वाला व्यक्ति हूँ, मैं अपना परिवार छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जब हिंदू संगठनों ने मदद ही नहीं की, और पुलिस मेरे पिताजी जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं अपने अपने समाज के भी अपने क्षेत्र के भी, उन तक परेशान करने लगी, मेरी पत्नी को परेशान करने लगी, मेरे बच्चों को परेशान करने लगी, मेरे माता पिता की अपमान करने, तब मुझे घर छोड़ना पड़ा मजबूरी में।
तो भैया भगवा मैंने अपनी मर्जी से नहीं पहना, मुझे मजबूरी में भगवा पहनना पड़ा है। आप शिक्षण संस्थानों तक के खिलाफ बोलते हैं, आप अलीगढ़ नहीं, नहीं, नहीं मैं शिक्षण संस्थानों के खिलाफ नहीं बोलता, आतंकवादियों के जो अड्डे हैं, जिहादियों के जो अड्डे उनके खिलाफ बोलता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आपको तकलीफ क्यों है सर? देखिए मुझे अलीगढ़ विश्वविद्यालय से तकलीफ नहीं है, हर उस संस्था से तकलीफ है जो लोगों को जिहादी बनाता है। दुनिया में ऐसी संस्थाएं नहीं होनी चाहिए। इतना जहर क्यों उगलते हैं? अरे जहर नहीं, सच बोल रहा हूँ, आपको जहर क्यों लगता है? अच्छा ये मुझे बताइए आपको जहर क्यों लगता है? आप बताइए, 27 मिनट की मेरी आपकी बातचीत हो गई, उसमें एक स्टेटमेंट भी आपकी ऐसी नहीं जिसमें आप प्यार की बात करते हो। प्यार की बात करता हूँ, सद्भाव की बात, सद्भाव की बात करता हूँ, मानवता के साथ। देखिए सुनिए, मानवता कहाँ? मानव, देखिए सुनिए सुनिए, खा जाऊंगा नहीं नहीं, खा जाऊंगा उन्हें जो हमारे बच्चों को खाएंगे। मैं अपने बच्चों के प्रति, पूरी दुनिया के प्रति बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण रखता हूँ, पूरी धरती के प्रति बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण रखता हूँ। लेकिन मैं जो मानवता को समाप्त करने वाले राक्षस हैं, मानवता को समाप्त करने वाले असुर हैं, उनके प्रति नरम दृष्टिकोण नहीं रख सकता। हम कोई, हमारे एक बहुत ही आदरणीय संत है बिरातू, आसिन बिरातू, जिन्होंने वर्मा को म्यांमार को ये रोहिंग्याओं के कैदर से मुक्त करवाया। उन्होंने कहा है कि आप कितने भी प्रेम से भरे हों, बौद्ध भिक्षुक है, बौद्ध भिक्षुक, बौद्ध जो अहिंसा के पुजारी है, उन्होंने कहा आप कितने ही प्रेम से भरे हों लेकिन आप पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। तो ये पागल कुत्ते के साथ हमें नहीं सोना है। और आपको अगर आपको सुनिए, आपको लगता है, देखिए आपने आपने जो ये विंस्टन चर्चिल थे उनका स्टेटमेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इस्लाम मानव के अंदर उतना ही खतरनाक है जितना कुत्ते के अंदर रैबीज। और ग्लैडस्टोन ने कहा था कि जब तक कुरान संसद में, पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने जो है कुरान दिखाकर कहा था कि दुनिया में जब तक ये किताब है तब तक दुनिया में शांति नहीं हो सकती। वो लोग सच बोल लेते हैं, हमारे नेताओं को तो आज तक आतंकवाद का धर्म नहीं पता चला, तो इन नेताओं से हम क्या उम्मीद करें? तो मेरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में इतना अपना मत है कि जब देश आजाद हुआ था तभी इसे उड़ा देना चाहिए था, दारुल उलूम देवबंद को भी उड़ा देना चाहिए था। एक भी मदरसे की पूरी धरती में कोई जरूरत नहीं है, मदरसे नहीं होने चाहिए। आप जैसे संत हैं, महंत हैं, उसके बाद भी जो लव जिहाद वाली टर्म है वो इतनी क्यों फली फूली है? देखिए मैं इस लव जिहाद वाली टर्म को नहीं मानता, ये जिहाद अगेंस्ट वीमेन है। इस्लाम दुनिया की औरतों को बर्बाद करना चाहता है, अपनी को भी या दूसरों की भी, क्योंकि इनकी थ्योरी है कि औरत में तो रूह है ही नहीं, औरत को मानव मानना ही नहीं चाहिए, वो औरत को मानव मानते ही नहीं है। तो उनका जिहाद है ये औरतों के खिलाफ, तो ये महिलाओं के खिलाफ जो जिहाद है इसके बारे में हम लोग, मैं तो खैर इसको, मैं तो जिहाद को, सारे जिहाद को खतरनाक मानता हूँ। और जिहाद में अगर कोई औरतें अभी इसमें, जिसे आप लोग जब जिहाद कहते हैं, जिसे मैं जिहाद अगेंस्ट वीमेन बोलता हूँ, अगर औरतें इसमें नहीं फंसेंगी तो थोड़े दिनों में, तो जब इनकी जनसंख्या हमसे ज़्यादा हो जाएगी, ये हम सबका कत्ल करके हमारी औरतों को मंडी में बेच देंगे। तो औरतें, तो औरतों का भी अस्तित्व बिल्कुल खतरे में है, पूरी दुनिया की मानवता की औरतों का अस्तित्व खतरे में है इस्लाम के कारण। महंतों के प्रवचन तो सुकून देते हैं लेकिन आप तो डरा देते हैं। नहीं नहीं, मैं डराता नहीं। देखिए घनश्याम जी, ये आपकी मनस्थिति है कि आप इस सत्य से डरना चाहते हैं, सच से सावधान होना चाहिए, सत सुन के सतर्क होना चाहिए। देखिए आप, सर, आपकी स्टेटमेंट तो आग लगा देगी, भड़का देगी, आग नहीं लगा जाएंगे सर। नहीं, दंगे क्यों हो जाए? सच से दंगे क्यों होने चाहिए? सच से, ये बताइए घनश्याम जी, सच से दंगे क्यों होने चाहिए? सच तो लोगों को पता चलना चाहिए, इससे दंगे क्यों होने चाहिए? सर आपको नहीं लगता जैसी बातें आप करते हैं तो हिंसात्मक घटनाएं बढ़ जाएंगी? नहीं 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 नहीं, हिंसात्मक नहीं, नहीं, खूनों में सर, नहीं नहीं, देखिए खूनों में की बात से तो खून में उबाल आ जाए। सुनिए, हिंदुओं के खून में अगर उबाल आना होता तो इस डकैतों के गिरोह ने अफगानिस्तान में दरवाजों पे लिख रखा, दुख्तरे हिंद नीला में 2 दिनार, हिंदुओं की बेटी हमने 2-2 रुपए में बेची। इन्होंने पूरी पहाड़ी पे हिंदुओं का कत्ल कर करके पर्वत का नाम रख दिया, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। इन्होंने हिंदू विहीन पूरी धरती को कर दिया, कहां हिंदुओं के रक्त में उबाल आया? और इनका रक्त तो उबला ही रहता है। इनके मोहम्मद के बारे में जरा सा सच बोलो, ये कह रहे थे बस सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, इनका तो उबला रहता है खून भाई। आप तो खूब बोलते हैं, तो इनका खून उबला हुआ तो है? आप तो खूब बोलते हैं, तो इनका खून हम पे उबला, आप देखते नहीं कितने फतवे हमारे ऊपर आए हुए हैं, कितनी बार इन्होंने हमें मारने की कोशिश की है, कितना मारने का प्रयास कर रहे हैं हमें। पर आपकी मृत्यु तो तय है ना, आप कह रहे हैं सबकी सबकी सबकी, डर किस बात? मैं तो डर क्यों, काय बात का डर? अगर डर होता तो ये बातें कहता थोड़ी, डर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लड़ते हुए मरने की तमन्ना है मेरे मन में। मेरा कोई बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होगा यदि मैं बुढ़ापे या बीमारी की मौत मरा, मैं जिहादियों से लड़ते हुए मरना चाहता हूँ, शेर की मौत, दिलेर की मौत, मैं पूरे जीवन इस विचारधारा से लड़ा हूँ और मैं इस विचारधारा से लड़ते हुए ही मरना चाहता हूँ। अगर चलते चलते
हिंदुओं को जोड़ने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैं हिंदुओं को बिल्कुल मैं हिंदुओं को बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहता। मैं तो हिंदुओं से केवल इतना कहना चाहता हूँ, हिंदू अपने परिवार से जुड़े, हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें ताकि ये देश मुस्लिम बाहुल्य ना हो सके, और अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि समय पड़ने पर वो अपनी भी रक्षा करें, परिवार की भी रक्षा करें, समाज की भी रक्षा करें और राष्ट्र की भी रक्षा करें। मतलब वो साइंटिस्ट इंजीनियर डॉक्टर ना भरे। क्यों? यहूदी साइंटिस्ट यहूदी नहीं है क्या साइंटिस्ट इंजीनियर डॉक्टर? यूक्रेन में नहीं है क्या साइंटिस्ट इंजीनियर डॉक्टर? क्या ईसाई नहीं है साइंटिस्ट इंजीनियर डॉक्टर? बवाली मत बनाइए, मजबूत बनाइए, दिलेर बनाइए, चोर डकैत मत बनाइए। चोर डकैत बनाने के लिए तो कुरान और इस्लाम बहुत है। बच्चे पैदा करिए, बच्चे पैदा करिए, अच्छे बनाइए। जैसे देखिए, आप कितने बहन भाई हैं? तीन। तीन बहन भाई है ना, सब अच्छे बने ना जी। अगर चार भी होते तो माता पिता के संस्कार आते, अच्छे बनते। अच्छे संस्कार वाले बच्चे ज्यादा होने चाहिए, इन चोर डकैतों के बच्चे कम होने चाहिए। संस्कार आएंगे कहां सर? आप जैसी बातें जब सुनेंगे संस्कार कहां? अरे मेरी बातें तो संस्कार देती है, मैं गीता सुनाता हूँ। ये तो आप समस्या के बारे में पूछ रहे, वरना मेरा तो पूरा समय गीता पढ़ने और पढ़ाने में जाता है। मैं तो लोगों को गीता पढ़ाता हूँ। लेकिन सर अच्छा होता ना कि आप बात करते गरीबी की, बेरोजगारी, गरीबी की बात करेंगे की बात पहले सुनिए 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 देखिए सुनिए ये सुनिए सर सुनिए मठ में पलायन हो गया, दरारें पड़ गई लोग, तो वो मुसलमानों के कारण हुआ है ना। पूरा पर्वत इन्होंने बर्बाद कर दिया, बता रहे हैं मुझे पूरे पर्वत। नहीं, ये अभी मुक्तेश्वर आनंद जी की कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। अच्छा, वरना सत्य तो ये है कि पूरे पहाड़ों को मुसलमानों की आक्रमणों ने बर्बाद कर दिया। मतलब जोशी मठ की हालत मुसलमानों की वजह से, उन्हीं की वजह, उन्होंने जो पाप वहाँ फैलाया, हर की पौड़ी से 300 मीटर दूर गोहत्या कर रहे हैं, तो ये पाप कहाँ समाएगा भाई? और सारे धर्माचार्य हिंदू चुप, तो हिंदुओं की बर्बादी का तो भगवान दंड दे रहे हैं हिंदुओं को, हमारे पे दंड है ये। जोशी मठ क्या, हिंदुओं के सारे सारे तीर्थ बर्बाद होने वाले, अगर हर की पैड़ी से 300 मीटर दूर, जबकि अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि हर की पैड़ी से 15 किलोमीटर के रेडियस में कोई ईसाई और मुसलमान, कोई भी गैर हिंदू रात्रि विश्राम नहीं कर सकता, कोई वहां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। आज वहां पर इन लोगों को बसाया जा रहा है, गौहत्या करवाई जा रही है, तो ये पाप प्रकृति कैसे सहन करेगी? चलिए, आखिरी संदेश कोई आप देना चाहे चेतना मंच के जरिए? मैं हिंदुओं से, जो मेरे बच्चे हैं, मेरे शेर हैं, मैं उनसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें ताकि ये देश लोकतंत्र के माध्यम से जिहादियों के कब्जे में ना चला जाए, और अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि समय पड़ने पर आपके बच्चे आपकी भी रक्षा करें, अपनी भी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान और अस्तित्व की रक्षा करें, अपने मठ मंदिरों की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें। ये सारी जिम्मेदारी हिंदुओं आपकी है, आपको ही करना है, आपको ही करना पड़ेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमसे बातचीत की और हर सवाल का विवाद। आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए और मुझे अकेले पड़े हुए बूढ़े की बात सुनने के लिए। चलिए, आपकी बातें सुनते रहेंगे कभी और भी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि महन जी की बातों को आप कैसे सोचते हैं, क्या उस पर आपका रिएक्शन है। चेता मंच लगातार कह रहा है ये महन जी की बातें हैं, एक्सक्लूसिवली उन्हीं के नजरिए से हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इस इंटरव्यू पे आपकी क्या राय है उसे मुझे जरूर जानना है। लेकिन हाँ, इन सारी बातों के बीच अपने चेहरे की मुस्कुराहट कायम रखिएगा, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। नमस्कार। इस्लाम धरती का कैंसर है। इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ टेररिस्ट। मोहम्मद एक डकैती तो था। हाँ, मदरसे से दिक्कत है। क्यों दिक्कत है आपको? क्योंकि मदरसे पढ़ रहे हैं, नहीं बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वहां अपराधी तैयार हो रहे हैं। ये मेरी मौत का दिन और तारीख तय नहीं करेंगे। मेरी मौत का दिन, मेरी मौत की तारीख मेरी माँ और मेरे महादेव ने तय कर रखी है। आप बार बार इनका नाम लेके हिंदुओं को डराते क्यों? नहीं नहीं, मैं डरा, देखिए क्यों डराते? अगर हिंदू डरता है तो हिंदू को तो जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। ठेका लिया है क्या हिंदू? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, गलती से भी नहीं। मैं केवल सच बोलने वाला सन्यासी, धर्म प्रचारक। आप चाहते क्या है देश में? मैं देश में नहीं, दुनिया में। मैं दुनिया से चाहता हूँ कि ये खत्म हो, ये जो है कैंसर खत्म हो। नरेंद्र मोदी की व्यवस्थाओं पे आपको यकीन नहीं है? कोई यकीन नहीं है, बिल्कुल यकीन नहीं है। मोदी का क्या अस्तित्व? तो मोदी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो मोदी का कोई अस्तित्व नहीं है। नरसिंहानंद एक पूरा का पूरा गिरोह है, मुझे मजबूरी में भगवा पहनना पड़ा है। हमारे नेताओं को तो आज तक आतंकवाद का धर्म नहीं पता चला, तो इन नेताओं से हम क्या उम्मीद करें? तो मेरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में जितना अपना मत है, इसे उड़ा देना चाहिए। तो आपकी स्टेटमेंट तो आग लगा देगी। दंगे क्यों हो जाए? सच्चे दंगे क्यों होने चाहिए? मैं जिहादियों से लड़ते हुए मरना चाहता हूँ।